नमस्कार गौरव गाथा था मैं आप सबका स्वागत मैं हूँ रामप्रकाश राय आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे वकील की एक राजनीतिज्ञ की एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जिसे आज़ाद भारत में पहले लोकसभा स्पीकर होने का गौरव हासिल हुआ जिन्हें प्यार से लोग दादा साहेब कहा करते थे आज बात गणेश वासुदेव मावलंकर की मावलंकर का जन्म सत्ताईस नवंबर 1888 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था हालांकि मावलंकर का जो परिवार था वो मूल रूप से मराठी था महाराष्ट्र से संबंध रखता था महाराष्ट्र के रत्नागिरी के मूल निवासी थे ये लोग उस समय बड़ौदा में रहते थे और बड़ौदा में इनका जन्म हुआ प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई इसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए अहमदाबाद आ गए थे साल 1902 में ये अहमदाबाद चले गए फिर इनकी विज्ञान संकाय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हुई ग्रेजुएट हुए उसके बाद इन्होंने लॉ कॉलेज लॉ की पढ़ाई की इन्होंने गुजरात कॉलेज से अपनी बीए किया फिर उसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में चले गए साल 1912 में इन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की प्रथम प्रथम दर्जे में वहाँ पे अव्वल आए थे उसमें पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने 1913 में अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की वकालत के पैसे में आ गए बहुत जल्द ही ये बहुत चर्चित वकील हो गए साल 1913 में जिस साल इन्होंने वकालत शुरू की उसी साल ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के संपर्क में भी आ गए थे ये दोनों इन दोनों के संपर्क में आने का जो था इनको बहुत फ़ायदा मिला इनके व्यक्तित्व पे भी उनका असर पड़ा इन सब चीज़ों को लेकर इनका धीरे धीरे राजनीतिक जुड़ाव भी यहीं से शुरू हो चुका था जब ये महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के संपर्क में आ गए राजनीतिक जुड़ाव चालू हो गया धीरे धीरे उस समय गुजरात एजुकेशन सोसाइटी का सचिव बना दिया गया गुजरात एसोसिएशन गुजरात एजुकेशन सोसाइटी की जिम्मेवारी इनके ऊपर सौंप दी गई उसके सचिव हुए यहाँ से फिर 1916 में इनको गुजरात सभा की भी सचिव की जिम्मेदारी दे दी गई 1921 तक इन्होंने वकालत की और बाकी जो सचिव की जिम्मेदारियां थीं वो निर्वहन किया 1921 में इन्होंने वकालत के पेशे को छोड़ दिया और फिर ये पूरी तरह से राजनीति में आ गए वो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए और इस तरीके से इनकी स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता संग्राम जो उस समय चल रहा था जो उस समय भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक युद्ध छड़ा हुआ था उसमें यहाँ से उनका सक्रिय योगदान शुरू हो गया जब इन्होंने वकालत की नौकरी छोड़ी तो ये गुजरात विद्यापीठ में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में नौकरी करने लगे उसी साल इन्हें अहमदाबाद कांग्रेस के स्वागत समिति की का भी सचिव बना दिया गया ये जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी गई इन जो सारी जिम्मेदारियां जो इन्हें मिली हुई थी इन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दादा साहब 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित हो गए वे गांधी जी के सानिध्य में आ गए उनकी शरण में आ गए और उसके साथ साथ जो उनके आंदोलन थे फिर वो सव्ञा आंदोलन में रहे भारत छोड़ो आंदोलन में रहे सब ये सारे समय में गांधी जी के साथ रहे और इन सब आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कई बार जेल गए जेल भी रहे ये इसी समय में कई बार नगर निगम के भी सदस्य हुए साल 1919 से 1922 फिर 1925 से 1928 फिर साल 1930 से 1933 और साल 1934 से लेकर 1937 तक ये नगर निगम के सदस्य हुए 1937 में ही इन्हें बम्बई प्रांतीय विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया तब से ये 1946 तक इस पद पर रहे इस पद पर अपनी सेवाएं देते रहे साल 1946 में जब केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होने लगा तो इन्हें उसमें चुना गया और उसके भी स्पीकर के पद की जिम्मेदारी मावलंकर जी को सौंप दी गई उन्नीस में जब देश में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए और जब चुनाव के नतीजे आए लोकसभा का गठन हुआ तो आजाद भारत के पहले लोकसभा का अध्यक्ष होने की भी इन्हें गौरव हासिल हुआ इनके जो पुराने अनुभव थे उसके आधार पर इन्हें भारत के पहले लोकसभा का उन्नीस में इन्हें स्पीकर चुना गया अपने स्पीकर रहने के दौरान इन्होंने कई नए मानदंड स्थापित किए थे साल 1956 तक लगातार सक्रिय रहे 1956 में 27 फरवरी के दिन अहमदाबाद में इनका हृदय गति रुक जाने से दादा साहब की निधन हो गया दादा साहब बहुयामी व्यक्तित्व के मालिक रहे इनके जीवन में कई चरित्र आए इनके जीवन में कई जिम्मेदारियों का निर्वहन आया वे जितने कुशल वकील थे उतने ही कुशल राजनीतिज्ञ साबित हुए और उतनी ही कुशल दादा साहब की लेखनी भी थी जब ये जेल में थे साल 1942 से 1944 के बीच में जब जेल में रहते हुए इनकी कैदियों से मुलाकात हुई उन कैदियों की दशा को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने किताब लिखी उस किताब का नाम था मानो तन झरन ये किताब जो थी वो गुजराती भाषा में लिखी गई और उस समय बेहद चर्चित किताब थी बहुत लोकप्रिय रही इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आगे चलकर कई भारतीय भाषाओं में इस किताब का अनुवाद किया गया गांधी जी के साथ अपने वृत्तांतों पर भी इन्होंने आधारित एक संस्मरण लिखा संस्मरण भी चर्चा में रहा फिर जो इनका वकालत का जो जीवन था उसको इन्होंने एक धागे में पिरोया एक पास एक सब इकट्ठा करके उसको संकलित करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी माय लाइफ नाम था उस पुस्तक का ये पुस्तक भी खूब चर्चा में रही थी तो जो मावलंकर जी का व्यक्तित्व तो था वो वकील का भी था अध्यापक भी थे राजनयिक भी थे और आज़ाद भारत के पहले लोकसभा स्पीकर भी थे इन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहते हुए इन्होंने खूब अच्छी तरीके से निभाया था और इसके लिए इन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा देश के इस सच्चे सिपाही को विनम्र श्रद्धांजलि धन्यवाद